ओम शांति, बोलिए ओम शांति। अटेंशन ये नहीं रखो, ध्यान ये नहीं रखो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी ये करना है। उसने किया, मैं भी इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने मेरा अपमान किया तो मुझे भी कोई कम ना समझे। हम ईंट का जवाब तो पत्थर से दे ही देंगे। ये हमने बहुत समय कर लिया, उसका रिटर्न भी देख रहे हैं। क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया, आपको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ हासिल हुआ? नहीं हुआ ना। अभी ये करके देख लो, अभी हमने सब उल्टा किया था ना, अब उल्टा करके देख लो। निगेटिव किया था ना, अब पॉजिटिव करके देख लो। अभी उसे आत्मा की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो मैं ऊर्जावान हूँ, और जो लेस हुई है उसको परमात्मा पिता से योग, जिसको राज योगा बोलते हैं, उससे हम मेडिटेशन करके पॉजिटिव बनकर अपनी ऊर्जा को क्या करें, बढ़ाते जाएं। और इस धरती पर हम कुछ करने नहीं आए हैं। हर बार अपने को कॉन्शियस कराओ, कुछ नहीं करने आए हैं। जब छीनाझड़ी में लगे हैं, जो जेलस में लगे हैं, जो क्लेश कलह में लगे हैं, ये सब बेकार है। आत्मा को बहुत शक्तिहीन बनाते जा रहे, इससे हमारे विकर्म का खाता क्या होता जा रहा है, पापों का खाता बढ़ता जा रहा है। आज ये दुनिया उन आत्माओं की नहीं रही है। कौन सी दुनिया बन गई? पाप आत्माओं की दुनिया बन गई। और कहा, हे भगवान, मुझे पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। अब हम रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी हम क्या हो जाएंगे, जितना हम आसक्त होते जाएंगे, उतना माया हमसे विकर्म पाप कर्म क्या है कराती रहेगी, और हम करते ही रहेंगे। उसकी भोगना कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आज रिजल्ट देख रहे हैं ना पूरे विश्व का। 21वीं सदी आ गई है, 21वीं सदी बताई गई है कि मानसिक रोगों से क्या हो जाएगी, ग्रसित हो जाएगी। 21वीं सदी धन पैसा बढ़ता जाएगा, प्रभुता बढ़ती जाएगी, लेकिन व्यक्ति मन से कमजोर होता जाएगा। मानसिक तनाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। आज अस्पतालों में भीड़ लगी पड़ी है। वही अगर हम पॉजिटिव हो जाएं, वही परमात्मा से जुड़ जाएं, वही आध्यात्मिक बन जाएं,